Hello, students. Good morning. This is your EVS class, and I'm your teacher, Smriti Miss. And today, in EVS class, I'm going to explain you Chapter 14, Up Above the World So High. Okay, students. So today we are going to discuss. We are going to revise Chapter 14 once again. And this chapter is about our universe. Okay, about our solar system. So today we are going to discuss about these things. Okay, so now let's start. so students today we are going to discuss about the moon the sun and stars and about the different days okay so now let's start the sun moon and stars the sky looks different during the day and at night आप लोगों को पता ही है ना आसमान अलग, अलग अलग दिखता है day time में बहुत ही मतलब वो ज़ालम light blue sky बहुत ही सुंदर दिखता है night में भी तारों से भरा हुआ आसमान अंधेरे में भी बहुत अच्छा लगता है okay ऑन अ क्लियर डे द सन brightly ब्राइटली इन द स्काई द सन इज huge बॉल ऑफ huge बॉल huge ग्लोइंग बॉल ऑफ फायर इट गिव्स अस हीट एंड लाइट आप लोग को पता है डे टाइम में क्या होता है सूरज चमकता है है ना और जब ब्राइट स्काई होता है एकदम आसमान क्लियर होता है तो बहुत ही beautiful दिखता है है ना और सन आप लोग को मैंने पहले भी बताया है कि सन एक्चुअली बॉल ऑफ फायर है आग का गोला है ओके और उसी सन से हम लोग को रोशनी भी मिलती है और हम लोग को हीट भी मिलती है ओके okay? गर्मी ओके okay? ये सब मिलता है हम लोग को सन से ओके okay? सन रेज की वजह से हम लोग को आप लोग अगर धूप में थोड़ी देर रहते तो आप लोग को कैसे एकदम गर्मी फील होने लगता है ना हम लोग धूप में बाहर जाते तो हम लोग को गर्म फील होने लगता एकदम हॉट फील होता है ओके सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रेज ऑफ द सन बिकॉज इट इज़ अ ग्लोइंग बॉल ऑफ फायर सन रेज सन एकदम आग का गोला है इसीलिए उसी से हम लोग को रोशनी भी मिलती है और हम लोग को गर्माहट भी होता है ओके एंड वन मोर थिंग सनराइजेज इन द ईस्ट ये आप लोग को पता ही होगा सूरज हमेशा पूरब दिशा से उगता है ओके एंड सेट्स इन द वेस्ट मतलब पश्चिम पश्चिम दिशा में क्या होता है सूरज डूबता है ओके okay? उगता है पूरब दिशा से और ढलता है डूबता है पश्चिम दिशा से ओके okay? और जब सूरज उगता है तो डे टाइम होता है और जब सूरज ढलता है तो क्या हो जाता है नाइट होता है ओके सो नाउ लेट्स सी अनदर सम अदर पॉइंट्स आल्सो ड्यूरिंग द नाइट द स्काई बिकम्स डार्क अब नाइट टाइम में क्या होता है फिर आसमान काला हो जाता है डार्क हो जाता है ओके द मून कप्स कम्स अप इन द स्काई एट नाइट और क्या होता है मून क्या हो जाता है आसमान में चमकने लगता है ओके okay? लेकिन आप लोग को ये बात भी मैंने बताया है कि मून का अपना लाइट नहीं होता है ठीक है मून कोई भी ग्लोइंग बॉल ऑफ फायर नहीं है मून को उजाला रोशनी मिलता है सन से ठीक है वो सन का रिफ्लेक्शन पड़ने से मून में क्या हो जाता है अपना लाइट प्रोड्यूस होता है ओके एक्चुअली मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट ओके मून का अपना कोई लाइट नहीं है ओके इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन ओके एंड इट चेंजेस इट्स शेप एवरी डे और आप लोग को पता है ये मून का शेप एवरीडे चेंज होता है एक ही शेप में नहीं रहता है मून है ना एट नाइट वी ऑल्सो सी मेनी स्टार्स और रात को हम लोग आज मैंने बहुत सारे तारे भी देखते हैं हम लोग जब यहाँ से देखते हैं तो आ तारा बहुत छोटे छोटे लगते हैं ओके बट इट्स नॉट सो तारे बहुत ही बड़े होते हैं okay? ओके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं लेकिन जब हम लोग यहाँ से देखते हैं हम लोग को लगता है एकदम छोटा छोटा है बट इट्स नॉट लाइक दैट एक्चुअली इट्स बिग ओके इट्स वेरी लार्ज और हम लोग दिन में भी तारे नहीं देख सकते एक्चुअली हम लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ रात को ही तारे आते दिन में कहाँ चले जाते होंगे एक्चुअली तारे रहते हैं दिन में भी ठीक है लेकिन उस सूरज की रोशनी इतना ज़्यादा होने से वो उसके वजह से वो जितना भी लाइट की लाइट की वजह से जितने भी तारे हैं वो सब छुप जाते हैं मतलब ढक जाते लेकिन तारे हमेशा दिन में भी होते हैं ओके ये नहीं है कि सिर्फ रात में तारे उगते हैं ऐसा नहीं है सिर्फ दिन में भी तारे होते हैं लेकिन इट्स बिकॉज ऑफ द सन लाइट वी कैनॉट सी द स्टार्स इन द डे टाइम ओके ये सन लाइट की वजह से क्योंकि सन का लाइट इतना ज़्यादा है कि वो सारे तारों को क्या कर देता है छुपा देता है लगता है कि छुप गया है बट इट्स नॉट एक्चुअली लाइक दैट ओके इट्स बिकॉज ऑफ द सन लाइट वी आर नॉट एबल टू सी द स्टार्स इन द डे टाइम ओके एंड अनदर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेज वी कैन हैव अ सनी क्लाउडी विंडी और स्टॉर्मी डे ओके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस वन बाई वन वैन द सन शाइाइन्ज ब्राइटली इट इज़ अ क्लियर सनी डे द स्काई अपेयर्स ब्लू आप लोगों को मैंने बताया जब सूरज बहुत अच्छे से चमकता है तो क्या होता है दिन बहुत ही क्लियर लगता है ओके okay? और आसमान एकदम ब्लू टाइप का ना सुंदर दिखता है ओके व्हेन द सन गोज़ बिहाइंड द क्लाउड्स द स्काई बिकम्स क्लाउडी और जब सूरज क्या होता है बादलों के पीछे छुप जाता है तो आसमान क्या होता है क्लाउडी होता है मतलब बादल बादल से ढका हुआ रहता है okay? ओके क्लाउड्स लुक लाइक बॉल्स ऑफ कॉटन फ्लोटिंग इन द स्काई हाउ डज द क्लाउड्स लुक क्लाउड्स क्या होता है देखने में लगता है कि जैसे कि रुई का बॉल बना हुआ हो वैसा लगता है जैसे आसमान में मतलब तैर रहा हो है ना दे आर मेड अ पॉफ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन तो ये क्लाउड्स कैसे बनते हैं बादल पानी के छोटे छोटे बूंदों से बादल बनते है ओके okay? जो क्या हो जाता है बाद में भारी होने से काले पड़ने से थोड़ी ज़्यादा मतलब थोड़ी दिन ब दिन जैसे कि जितने भी हम लोग मैंने बताया था आप लोग के ना सन रेज की वजह से जितने भी न, रिवर्स वगैरह होता है ड्रेन्स वगैरह होता है उससे वो भाप ऊपर ले जाता है और वो ही क्लाउड का फॉर्म में आ जाता है ना क्लाउड का शेप ले लेता है और जैसे जैसे वो भारी पड़ने लगता है काला काला होते रहता है होते रहता है उसके बाद वो फिर से क्या हो जाता है पानी बन के बरस जाता है ज़मीन पर ओके सो दिस इज़ हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म ओके so now let's see another one when there are dark clouds in the sky it rains मैंने आपको बताया जब आसमान काला हो जाता है मतलब बादल काले हो जाते हैं तो बार, बारिश हो जाती है ओके okay? वी sometimes सी अ रेनबो आफ्टर अ रेन अ रेनबो हैज सेवन कलर्स तो हम लोग कभी कभी बारिश होने के बाद रेनबो भी देख सकते हैं ना ज़्यादा तर ये रेनी सीजन के टाइम पे होता है मतलब थोड़ा सा धूप और हल्की बारिश होने लगता है तो रेनबो हम लोग को दिखाई देता है एंड रेनबो हैज सेवन कलर्स ओके एंड द कलर्स ऑफ रेनबो आर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड ओके इसलिए इसको विप ग्योर भी बोला जाता है ओके अनदर वन इज ऑन अ विंड डे स्ट्रॉन्ग ब्लो अ विंड मतलब बहुत ज़ोर से बहने वाली हवा है ना और कभी कभी क्या होता है मतलब बारिश भी नहीं होता है लेकिन बहुत ज़्यादा हवा चलता है तेज तेज़ तेज़ हवा चलता तूफान आता है डैट इज़ कॉल्ड विंड ओके और ज़्यादातर ऐसे डेज में क्या हो जाता है ज़ोर ज़ोर से हवा बहता है और डैट इज़ कॉल्ड विंडी डे और स्टॉर्मी डे ओके okay? या तो स्टॉर्म आता है ज़्यादा से ज़्यादा जोर जोर से हवा चलने से क्या होता है कभी कभी बारिश के टाइम पर भी हो जाए बहुत जोर से बारिश हो रही होती है ज़ोर ज़ोर से हवा बहती है तो क्या हो जाता है तूफान आ जाता है उस वक्त राइट सो दिस इज़ कॉल्ड विंडी डे और स्टॉर्मी डे ओके सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिलयर सो दिस मैच फॉर टूडे थैंक यू एंड हैव अस डे